कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने आज पूर्व मुख्यमंत्री एनडी तिवारी के जन्मदिन एवं पुण्यतिथि पर याद करते हुए उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर नमन किया। वहीं बिंदुखता क्षेत्र को बसाने वाले यूपी और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री व पूर्व राज्यपाल स्वर्गीय एनडी तिवारी की प्रतिमा को लगाने का उचित सम्मान आज तक नहीं मिल सका है। उत्तराखंड में भी मुख्यमंत्री मतलब उनके उनका बड़ा सौभाग्य रहा कि उन्होंने दो दो प्रदेशों का जो मुख्यमंत्री काल संभाला और केंद्र सरकार में भी वो विभिन्न जो है मंत्रालयों में उन्होंने कार्य किया है और उन्होंने जो विकास के लिए कोई प्रथा नहीं छोड़ी है, इसलिए लोग आज भी उनको बड़े उससे याद करते हैं। आज हम लोगों ने पंडित जी का जो है यहाँ पर जन्मदिन और उनकी जयंती दोनों एक साथ मनाई। मैं तो वही देखिए बिंदुखता की बसासत में यहाँ के लोगों को बसाने में तिवारी जी का एक बहुत बड़ा हाथ रहा है। अगर तिवारी जी नहीं होते उस समय तो ये बिंदुखता कब के उजड़ चुका होता। हम लोग जो है सभी लोग जितने भी कांग्रेस जन है सच्चे मन से तिवारी जी को जो हम आज भी याद कर रहे हैं। करीब 1,00,000 की आबादी वाले बिंदुखत्ता में कई एकड़ भूमि होने के बावजूद स्वर्गीय एनडी तिवारी की प्रतिमा मुफलिसी में आज भी अपनी उचित स्थान व सम्मान की बाह जोड़ रही है। हालांकि कुछ वर्ष पूर्व इतने बड़े बिंदुखत्ता क्षेत्र में प्रतिमा के लिए उचित जगह नहीं मिलने पर रोड पर ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रतिमा स्थापित कर दी थी। इस बिंदुखत्ता ही नहीं उत्तराखंड ही देश के एक महान नेता थे, महान विकास पुरुष थे, जिन्होंने इस उत्तराखंड को, इस उत्तर प्रदेश को, भारत को विकास की गति दी और यहाँ पर दो राज्यों के मुख्यमंत्री रहे। एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो यूपी और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रहे और अपना पूरा कार्यकाल पूरा किया। और दूसरा यहाँ पर उत्तराखंड में जितने भी शिडकुल बसे, आज जितने भी लोग यहाँ पर, ये चाहे पेपर मिल हो या रुद्रपुर में जितने भी इंडस्ट्री लगी हैं या सितारगंज में लगे हैं, देहरादून ऋषिकेश जहाँ भी लगे हुए हैं, सब उन्हीं की देन है। आज लोगों को तमाम रोजगार मिला हुआ है और वो ये बिंदुखत्ता उनकी देन है। सब भी बिंदुखत्ता में आज जो हजारों लोग यहाँ पर निवास कर रहे हैं, ये सब माननीय तिवारी जी की देन है। इसलिए हम सभी मिलकर आज उनको एक विकास पुरुष के तौर पर और एक यहाँ के जन जन के नेता, जन जन के वो मानते हुए उनको, उनका सम्मान में सब लोग यहाँ पर एकत्रित हैं और उनको उनके जन्म दिवस पर आज यहाँ पर मिठाइयाँ बांट रही हैं। सभी हर्षोल्लास से उनके जयंती मना रहे हैं। इसलिए मैं उनको सबसे कोटि कोटि प्रणाम करते हुए उनको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। बिंदुखत्ता के हजारों घरों में बिजली देने वाले पूर्व मुख्यमंत्री एनडी तिवारी की प्रतिमा को रात के अंधेरे में एक लाइट भी नसीब नहीं हुई है। हमने जो भी काम करे विकास पुरुष ने संज्ञा दी थी और विकास दिखाते तिवारी जी का बड़ा प्रभाव आज रहता है। आज जब तक नरेंद्र तिवारी जी थे उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश का बड़ा नाम था। उनके उससे यहाँ पर कांग्रेस कई बार यहाँ पर रिपीट हुई और सरकारें बनी। आज उनका अभाव है कि हमारे पास एक ऐसा नेता नहीं है जो विकास को देखते हुए यहाँ पर काम करे। आज सब लोग यहाँ बिंदुखत्ता नहीं, पूरे नैनीताल जिला, प्रदेश हमारा सोना सा लगता है कि उनकी कमी यहाँ पर है। हम चाहते हैं कि आज उनकी पुण्यतिथि और उनकी जन्मतिथि पर श्रद्धासुमन अर्पित करते हैं, उन्हें याद करते हैं और हम चाहते हैं कि नरेंद्र तिवारी जी जैसा हमारा महापुरुष हमको मिले। और वहीं सेंचुरी पेपर मिल की दीवारों पर लगी लाइटों से ही हल्की रोशनी दिखाई देती है। हर वर्ष पूरे प्रदेश में एनडी तिवारी का 18 अक्टूबर को जन्मदिन और पुण्यतिथि मनाई जाती है, लेकिन सही मायनों में उनको मिलने वाला सम्मान आज भी नहीं मिल पा रहा है। देखिए सबसे दिग्गज और महान राजनीतिक थे और वो एक समाजवादी भी थे। वो अमीरों के साथ साथ गरीबों को कैसे आगे बढ़ाया जाए ये उनको आता था और इस कार्य को उन्होंने बखूबी किया भी है। उन्होंने इस क्षेत्र में तमाम उद्योग धंधे खोले, शिडकुल खोला, बिंदुखत्ता जैसा इतना बड़ा गांव, ये सब एनडी तिवारी की देन है। उनको पता था कि पहाड़ के लोग बड़े मुफलिसी में रहते हैं, गाड़ गजरों में बड़ी दिक्कत होती है, भूस्खलन तमाम दबी आपदाओं से लेके। उन्होंने यहाँ पर लोगों को सहयोग भी किया है और इस बिंदुखत्ते को आज जो आधुनिक बिंदुखत्ता आपको दिखाई दे रहा है, इसमें ये हमारे नरेंद्र तिवारी जी की देन है। और वो सचमुच में एक विकास पुरुष थे और वो पढ़े लिखे थे, बहुत दूरदर्शी थे। हमारे आज के नेता उतना समझ पाते हैं नहीं समझ पाते, मैं ये नहीं कह सकता हूँ, लेकिन वह बहुत दूर तक यहाँ के लोगों के बारे में भली भांति जानते थे और पहाड़ी गरीबी के बारे में जानते थे और इस क्षेत्र की बेरोजगारी के बारे में जानते थे। और उन्होंने जो काम किए हैं वो बहुत दूरदर्शी काम किए, जैसे शिडकुल का यहाँ पर खुलना, तराई में, पूरे प्रदेश में उन्होंने शिडकुल की स्थापना की, उद्योग धंधे उन्होंने खोले, ऐसा कोई विभाग नहीं जाना एनडी तिवारी का
नाम नहीं होगा, उन्होंने नहीं खोला हुआ। तो उन्होंने बहुत सारे काम किया इस प्रदेश को, इस देश को आगे ले जाने में तिवारी जी का महत्वपूर्ण योगदान है। और मैं बिंदु खत्ते का रहने वाला हूँ, मुझे लगता है कि अगर एनडी तिवारी नहीं होते बिंदु खत्ता भी संभव नहीं होता।